शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि 23 मार्च जो है वो काफी शुभ तिथि है और आज से ही नव संवत्सर शुरू हुआ है। तो ऐसे में जो 23 तारीख की तिथि है यानी जो तीसरी नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, उस दिन रवि योग बन रहा है। तो रवि योग जो है वो राजनीति के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, राजनीतिज्ञों के लिए काफी अहम होता है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल 23 मार्च को यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और 24 मार्च का जो जनता दरबार है यानी जो इस हफ्ते का जनता दरबार है वो यही लगेगा। दरअसल अगर 23 मार्च के महत्व को ज्योतिष की नजर से देखें तो इस दिन बेहद अहम मुहूर्त बन रहा है। विशेष तौर से राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों के लिए ये तारीख बेहद अहम है। सबसे खास ये कि ये तारीख गृह प्रवेश के लिए बेहद खास मानी जा रही है। कुंडली के अंदर जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति उनका जो है उच्च का बैठा है कुंडली के अंदर। जब भी बृहस्पति कर्क राशि का होता है तो उसको हमारा शास्त्र जो है उसको उच्च का मानता है। और इस वक्त भी अगर स्थिति देखी जाए तो बृहस्पति जो है कर्क राशि का बैठा है, पहला ये कारण है 23 तारीख देने का। बहरहाल ज्योतिषों की माने तो इस घर में आने के बाद केजरीवाल के काम में तो बरकत होगी, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर चल रहा विवाद भी शांत होगा। अब देखना होगा ये क्या होता है। पार्टी के अंदर का विवाद शांत होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।